कोरोना संक्रमण ने गिरिडीह के 41 पुलिसकर्मी को भी अपने चपेट में ले लिया है। 41 पुलिसकर्मियों के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शनिवार को पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। एसपी अमित रेणु ने डीएसपी विनोद रवानी और सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक के साथ विचार विमर्श कर 4 दिनों के लिए पुलिस लाइन के साथ एसपी कार्यालय के सारे कार्य ठप कर दिए। इसकी पुष्टि एसपी अमित रेणु ने करते हुए बताया कि अगले 3 दिनों तक पुलिस लाइन व एसपी कार्यालय बंद रहेगा। न तो किसी आम व्यक्ति का एंट्री हो सकेगा और न ही कोई ऑफिशियली कार्य ही किए जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस लाइन में मुलाकातियों की भीड़ लगी रही। कई लोग एसपी से मिलने की इच्छा लिए बुके लेकर पहुंचे थे, वहीं कई लोग अपने समस्याओं को लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन एहतियातन एसपी ने मिलने पर रोक लगा दी। इधर 41 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की बात स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी की गई है। एक साथ 41 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब स्वाधीनता दिवस के परेड पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका बन गई है, क्योंकि शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में डीसी राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई तो कोरोना के कारण 15 अगस्त का परेड इस बार गिरिडीह स्टेडियम में करने का निर्णय लिया गया, जिसे सामाजिक दूरी के नियम टूटने से बच सके। यही नहीं, बैठक में झांकी के निकालने पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई। इधर 41 पुलिसकर्मियों में जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है उसमें एसपी ऑफिस के 13 कर्मियों के साथ तीसरी थाना के कुछ पुलिसकर्मी समेत पुलिस लाइन के अलग अलग बैरक व ट्रैफिक पुलिस जवान शामिल हैं। कई पुलिस अधिकारियों ने शनिवार से खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। इस प्रकार जिले में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 205 हो गई है। शुक्रवार की देर रात ही जिले में 93 नए केस आए थे। इसमें जमुआ में 49, डुमरी में 23, बेंगाबाद 8, देवरी 2, पीटा 3, सदर प्रखंड से 1 और तीसरी से 6 और गांवा से 3 केस सामने आए थे। जानकारी के अनुसार गांवा के 2 संक्रमितों को पहले से ही रांची के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाजरत किया गया है। शुक्रवार की देर रात आए नए केस के 8 संक्रमितों को कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया की जा रही थी। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने में भी स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ।